और ये देखिए ये क्या आया सुबह सुबह का, बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता है ये। आई थिंक जो लोग गुवाहाटी वाले वो लोग पहचान गए होंगे, पैकेट देख के नाम का शर्मा स्वीट हाउस, जहाँ का समोसा बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी बनाएंगे चाय उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो सारे व्लॉग्स को आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, मैं बोलना चाहूँगी एक चीज़ कि हम लोगों ने एक ब्लॉग में पूछा था कि इस वाले बुलेट का क्या नाम रखेंगे। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करेंगे, मतलब इतने प्यारे प्यारे नाम आए कि हम लोग सब कंफ्यूज हो गए कि कौन सा नाम रखा जाए। लेकिन फाइनली नाम तो कोई एक ही रखना है, तो इतने अच्छे अच्छे नामों मुझे बहुत मुश्किल से एक नाम सेलेक्ट किया गया है। नाम तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आए हैं, जैसे कि चीता, सचेतक एंड बादल, चिराग, स्टैलियन, रेडबुल, नाम तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आए हैं। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि कौन सा नाम रखेंगे, लेकिन फाइनली एक नाम तो सिलेक्ट करना ही था। तो जैसे ही एक और नाम आया, पटाख से हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब यही नाम रखेंगे, क्योंकि जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो वो नाम पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया वो नाम। मैंने सोचा नहीं अब कुछ नहीं सोचना है, बस यही नाम रखेंगे। और हम सबको ही बहुत ज़्यादा यही वाला नाम पसंद आया, मैंने उनको भी बताया तो उनको भी यही वाला नाम पसंद आया। जो नाम हमें पसंद आया वो है हमारे एक सब्सक्राइबर के शाही नाम से, जिन्होंने सजेस्ट किया है रेड बुल। तो यस, हम लोगों को रेड बुल नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। आज से हमारा ये चेतक का भाई का नाम होता है रेड बुल। वेरी इंटरेस्टिंग नेम, काफ़ी सूट करता है ये नाम, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये नाम ही रखेंगे। तो थैंक यू सो मच, और आप सबको भी थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी बहुत प्यारे प्यारे नाम दिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नाम मुझे नहीं पसंद आया, आप लोगों ने इतना अच्छा अच्छा नाम कमेंट किया कि हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा नाम रखें। बहुत मुश्किल से एक चूज़ किया हम लोगों ने, लेकिन रेड बुल इज़ बेस्ट। आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर, बाहर मतलब मेरे छोटे चाचू के घर में, यानी कि अमन के घर पे जाएंगे आज और मिलते हैं, क्योंकि मैं जब से आई हूँ उन लोग से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं उन लोग के घर। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या दिख रहा है बार बार, ये है, ये क्या हुआ ना, मैगी बना रही थी तो मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया, तो इसमें मैंने कोलगेट लगा लिया है। तो जब हम लोग किचन में काम करते हैं ना, तो ये छोटा मोटा तो जलता ही रहता है, तो कभी भी इस तरह से अगर जल जाए तो ठंडा पानी ना डालने के वजह आप कोलगेट का यूज़ करा करिए, ज़्यादा फायदेमंद होता है। अभी जो हम लोग हैं निकल गए छोटी अम्मी के घर के लिए, वो ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बस रोड क्रॉस करना है और उनका घर आ जाए। तो चलिए चलते हैं, और मीठू को हम लोग अकेले छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है मीठू, जा रहे हैं हम, ठीक है, ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। आयान, ठीक है, हम आप कैसी हैं चाची? ठीक है, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आसिफ? ठीक है। आयान, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे अपने छोटे चाचू के घर पे पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस 2 मिनट की दूरी पे घर है, जस्ट रोड को क्रॉस करना पड़ता है और घर आ जाता है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आई हूँ। और अभी यहाँ पे फिलहाल अमन नहीं है, वो गया है सोनू के साथ जिम, तो मैं उससे तो इंट्रोड्यूस नहीं करा पाऊंगी दोबारा। लेकिन हाँ, अभी अमन के 2 और छोटे छोटे भाई है जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो ये है मेरे कजन्स, अमन के बाद ये आसिफ। हाय आसिफ, इनका भी अपना चैनल है, क्या नाम है? गेमिंग स्क्वाड। और ये है मेरा सबसे क्यूट भाई, सबसे छोटा भाई आयान। हाय। हाँ आयान, कौन से क्लास में पढ़ते हो बाबू, बता दो जरा सबको। कोरोना का तो सिम्टम नहीं है ना, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गया, इस वजह से याद नहीं आ रहा कौन से स्कूल में, सॉरी कौन से क्लास में, जल्दी बताओ, सब वेट कर रहे हैं।
आसिफ बताया कौन सा क्लास में आसिफ आया? नर्सरी। और आप? मैं फाइव। तो पढ़ाई चल रहा है अभी? जी चल रहा है। नहीं कुछ पढ़ाई नहीं चल रहा अभी, अभी से चैनल खोल के बैठा हुआ, पढ़ाई कहाँ से चलेगा बताओ। तो अभी याद आ गया कौन से क्लास में हो? अभी भी पूछ के बता दो। वेरी बैड। अब से याद रखना ठीक है, कोई भी पूछेगा कौन से क्लास में तो क्या बताओगे? नर्सरी। हाँ बहुत छोटा था ये तभी हमारी शादी हो गई थी, मतलब काफी ज्यादा क्लोज थे हम लोग इनसे और इसको बहुत ज्यादा गोद में खिलाया इसको, इसको भी। फिर अभी तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करो, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो ठीक है। और हम लोग के आए हुए फिलहाल एक घंटा हो चुका है तो लग रहा है अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो रहा है। फिर सोनू और अमन भी जिम से वापस आने वाले, वो घर आएगा तो उसको घर लॉक मिलेगा, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नाश्ता वगैरह सब हो गया लेकिन जाते जाते अपनी छोटी अम्मी से भी मिला के जाऊंगी आप सबको। यहाँ आते हैं तो बहुत सारी पुरानी यादें जो है वो ताजा हो जाती हैं क्योंकि ये वो रूम है जो जिसमें हम रहते थे पहले, मतलब शादी से पहले हम लोग यहीं रहते थे, शादी के बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं। और ये है मेरी छोटी अम्मी, हाय कर दीजिए छोटी अम्मी। हाँ और इनका भी घर कहाँ है? आपको घर पटना में ही है, तो हम लोग सब लोग बेसिकली पटना के ही हैं, तो काफी ज्यादा टाइम हम लोगों ने साथ में बहुत ज्यादा बिताया है तो हमेशा याद आता रहता है वो सब चीज। और अभी फिलहाल चाचू तो घर पे है नहीं, वो दुकान पे गए हुए, तो किसी और दिन उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं। तुम्हारा साहेब का वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा हम लोग को लगता है। ठीक है फिर अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया है। ओके देन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। किसका है ये साइकिल? किसका है? आयान का है क्या? वाओ बहुत प्यारा आयान। ओके थोड़ा चला के दिखाओ इसको, बैठो। लेट हो रहा है। बाय। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हाँ हाँ बाय। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर और बेचारा मीठू कब से अकेला था घर पे, तो जैसे ही हम लोग आए तो वो चिल्लाने लगा। मीठू आजकल इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अभी देखिएगा मैं अपनी उंगली दूंगी ना तो कैसे काटेगा ये देखिए। Oh my God. गुस्सा नहीं करते फिलहाल। मीठू जो है बहुत गुस्से में है, बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है। और जो आसिफ का चैनल है उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके देन इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।